अब हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्चों का अचार, तीखा अचार। यहाँ लाल मिर्च मैंने ले रखी है तकरीबन 5 है ये। अब मसाला बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हमें चाहिए सौंफ। ये सब को हम भूनेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, जीरा भी 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, साबुत वाली ले रहे हैं। अब इन सब मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करके और बारीक पीस लेंगे। टेस्ट डाल रहे हैं इसमें काली सरसों के दाने, हींग 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद वाला नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। अभी इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस। एक कप हमने सरसों का तेल लिया था, जैसे हमने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है, ये ठंडा हुआ हुआ है, इसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया। इसे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मसाले को, ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। चीरा लगा के, चाहे तो आप ग्रीन चिली निकाल सकते हैं, चाहे तो इसके जो सीड है वो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही ऐसे स्टफिंग कर रही हूँ इसके बिना सीड निकाले हुए। मेरी की मदद से अच्छे से आप स्टफ कर लीजिए दबा दबा के। इस तेल को चम्मच की मदद से इस मिर्ची के अंदर डालना है, जिसमें हमने मसाला डाला है कट में डालेंगे और ऊपर थोड़ा डाल के रखते जाएंगे कंटेनर में। ताकि अंदर से ये मॉइस्ट रहे, ड्राई ना रहे, सॉफ्ट हो जाए अंदर से भी। एक दो दिन बाद ये सॉफ्ट होके थोड़ी ये अंदर दब जाएगी। और ये बचा हुआ पहले हम इसमें ये डाल देंगे, तो मसाला बच गया है उसको ज़ाया नहीं करना है, इसी जार में डाल देगा। और ऊपर से ये ऑयल डाल देगा। ओके, ऐसे किचन काउंटर पे छोड़ देगा 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी लाल मिर्च, फिर आप यूज़ कर सकते हैं इस अचार को। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट हो गई है मिर्चे। तकरीबन इसको 4 दिन तो मैंने बाहर रखा था, उसके बाद मैंने रख दिया था फ्रिज में। और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी, देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, बहुत मज़े का अचार बना है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मसाला, और 4 दिन आप बाहर रख के इसे फ्रिज में रखिएगा और 1 हफ्ते बाद का ये रिज़ल्ट है। देखिए कितनी सॉफ्ट है,
देखिए आप इसे एंजॉय कर सकते हैं सादे दाल चावल के साथ या पराठों के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है ये लाल मिर्चों का अचार। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हो आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।